हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। और आज एक बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि बात ही ऐसी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी की समस्या में हमारी रेगुलर जो व्यूवर हैं, हमारे परिवार की जो सदस्य हैं, यूट्यूब सहेली की रेगुलर व्यूवर और सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पीसीओडी की कंडीशन में भी कैसे बहुत आसानी से कंसीव कर लिया। ये सिस्टर एक नहीं है, दो दो सिस्टर्स हैं जिन्होंने पीसीओडी की कंडीशन में कंसीव किया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद केवल ये नहीं है कि मैं आपको उनकी बात बताऊं, मकसद ये है मेरा कि उनके उदाहरण से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और कुछ आइडिया मिले कि आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए कैसे आगे बढ़ना है, टिप्स को किस तरह से फॉलो करना है। और कुछ नई बातें भी हैं, वो भी चाहती हूँ कि आप सभी के साथ शेयर करूं। तो अगर आप YouTube सहेली को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलते रहें और नई नई जानकारी से आप अपडेटेड रहें और अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से नेचुरल तरीके से सॉल्व कर सके। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो फ्रेंड्स हैं दोनों, ये इनका जो आईडी से है वो है मती अजमल और पारुल राय। तो इन दोनों सहेलियों ने पीसीओडी की कंडीशन में कंसीव किया है। एक सहेली जो है पारुल राय जी हैं, इन्होंने विद इन वन मंथ कंसीव कर लिया। इन्होंने अलसी को बहुत अच्छे से यूज किया था। और इसके अलावा जो मती अजमल आईडी से हमारी सहेली हैं, उन्होंने दो साल से उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। दो साल काफी लंबा समय होता है और वो दो महीने से ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए। और उसी दौरान उन्होंने हमारे टिप्स को फॉलो किया, कई चीजें इन्होंने फॉलो की, एक्सरसाइज लेकअप भी फॉलो किया, मॉर्निंग में जो फिग इन रेजिंग के बारे में बताती हूँ उस चीज को भी फॉलो किया, हेयर वॉश टिप को भी फॉलो किया और उनको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, सबकी प्रॉब्लम की ग्रेविटी जो होती है डिफरेंट होती है। तो आपकी प्रॉब्लम अगर क्रॉनिक है तो आप टिप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करें, धीरे धीरे करके बॉडी में चेंजेस आएंगे, बॉडी नॉर्मलाइज होगी, टोन होगी और थोड़े टाइम में, दो महीने तीन महीने में आपको उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक दो महीने से आपको उसके अच्छे इफेक्ट अपनी बॉडी में फील होते चलेंगे। अब हम पीसीओडी पे आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, पीसीओडी में एक नॉर्मल जो कॉमन प्रॉब्लम है ज्यादा जो होती है सभी महिलाओं को, वो ये है कि उनको बहुत क्रेविंग होती है फूड की और वो बहुत सारा कार्ब्स खा लेते हैं। कार्ब्स खा लेते हैं तो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो स्पाइक होता है, एकदम तेजी से बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते ही वापस से आपको क्रेविंग होती है। तो एक विशियस साइकिल चलती रहती है। इसको ब्रेक करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं चैनल पे, मैंने लाइव सेशन भी पीसीओडी पे किया था, तभी कुछ बातें आप सभी के साथ की थी और वैसे बहुत सारे टिप्स बताए हैं। पीसीओडी की कंडीशन में दालचीनी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। दालचीनी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्मोन्स को ठीक करता है, ओवेरियन फंक्शन और ब्लड फ्लो। और पीसीओडी में भी कई लोगों को इन्फ्लामेशन होता है। पीसीओडी कई तरह की होती है, एक तरह की ही नहीं होती। तो किसी को इन्फ्लामेशन होता है, किसी को एंड्रोजेंस होते हैं, किसी को बहुत वेट गेन होता है, तो अलग अलग तरह की होती है। तो दालचीनी का इफेक्ट बहुत अच्छा है, आप पीसीओडी में दालचीनी को यूज करें। आपको दालचीनी को यूज कैसे करना है, हर एक टिप पे वीडियो बनाया है मैंने एक्सक्लूसिव अलग से, तो उसको आप देखिए, समझिए और आपके केस में अगर वो अप्लाई होता है, आपको सूट करता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा फिग को भी हम फर्टिलिटी बॉम्ब कहते हैं, तो फिग का यूज भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फिग और रेजिन की टिप बताइए, आप उसका भी वीडियो देखिए। ओमेगा 3 का सोर्सेज हमको लेना बहुत जरूरी है पीसीओडी कंडीशन में, या फिर थायराइड का जो डिसऑर्डर उसमें ओमेगा 3 वगैरह की बहुत जरूरत होती है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और हार्मोन्स को ठीक बनाने के लिए। तो उसके लिए आप फ्लैक्सीड या वॉलनट, वेजिटेरियन है तो ये ऑप्ट कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो फिश को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिश आप ध्यान दें, फ्रेश वाटर होनी चाहिए, सालमन टूना वगैरह यही यूज करें। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सरसाइज। पीसीओडी कंडीशन में हमको अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करना है तो एक्सरसाइज का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही, लेकिन हार्श एक्सरसाइज नहीं करनी, एकदम रिगोरियस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आपको 30 मिनट आराम से एक्सरसाइज करनी, जिसमें आपको सूर्य नमस्कार करें, लेग अप द वॉल पोजिशन, जो विपरीत करनी आसन पे मैंने वीडियो बनाया है उसे देखें, समझे, क्योंकि जिनको भी फर्टिलिटी की इश्यू है उनको विपरीत करनी आसन या लैग अप द वॉल पोजीशन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो डाइट है लो जीआई होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि लो जीआई फूड क्या होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे आपको सभी फूड कैटेगरी में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, फ्रूट्स में, हर चीज में, वेजिटेबल में जो लो जीआई होते हैं सबके बारे में डिटेल से बताया, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी लो जीआई फूड को खाना है, अपने रूटीन में शामिल करना है। इसके अलावा आप फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं।
फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, छाछ, मठा जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आप चीज और चीज का ना करें, पनीर का अच्छे से इस्तेमाल करें। पनीर को आप क्यूब्स में काट के ब्लैक पेपर सॉल्ट वगैरह डाल के खा सकते हैं। ध्यान रखें वो पनीर पास्चराइज्ड हो। इसके अलावा आपका वेट बहुत ज्यादा है, पीसीओडी की एक कंडीशन में वेट बहुत बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो ऐसी कंडीशन में दालचीनी भी आपको हेल्प करेगी। अच्छा डाइट प्लान, प्रोटीन डाइट के लिए मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है, तो रात को आप बिल्कुल भी कार्ब्स ना लें, दिन में थोड़ा बहुत कार्ब ले भी लें लेकिन रात को आप कार्ब ना लें, थोड़ा प्रोटीन लें, थोड़े वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज सूप ले लीजिए, टोमेटो का वेजिटेबल सूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। टोमेटो के तो मल्टीपल बेनिफिट्स है, टोनिंग करता है, एग क्वालिटी इंप्रूव करता है, वेट लॉस में कारगर है। इसके अलावा व्हीट ग्रास को भी आप यूज कर सकते हैं, व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं, शतावरी आप ले सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है ऐसी कंडीशन में, पीसीओडी कंडीशन में कई लोगों को बहुत एसिडिटी रहती है, तो लीवर को भी आपको ठीक रखना है और बॉडी को अल्कलाइन रखना है, तो आप व्हीट ग्रास और शतावरी वगैरह भी ले सकते हैं आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऑलरेडी पीसीओडी के लिए, तो ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में काफी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। विटामिन डी का इंटेक लें, सनबाथ जरूर लें, सनबाथ का क्या इंपॉर्टेंस है वीडियो बनाया है, विटामिन डी का भी आप टेस्ट करवाएं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप उसका टेस्ट भी करवाएं। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि पीसीओडी की स्पेसिफिक कंडीशन में आपको ध्यान देनी चाहिए और इनको लेके चलना चाहिए, कैलकुलेट करके चलना चाहिए कि कहीं ये प्रॉब्लम आपको, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फर्टिलिटी में, इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत सारे होते हैं, ट्यूब से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, मिसकैरेज से रिलेटेड और वेट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारे इश्यूज को मैंने वीडियोस में कवर भी किया है, तो आप चैनल के वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, आप देखेंगे समझेंगे और उसके अपनी अपनी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है सबकी, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब आप उनको अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसेंशियल ऑयल के बारे में बताया है, यूट्रस में बल्कि स्वेलिंग सबके लिए बताया, फर्टिलिटी मसाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पीसीओडी है या कोई भी फर्टिलिटी इशू है, आप पीरियड के बाद से लेके, पीरियड खत्म होता है तब से लेके ओवुलेशन हो जाने तक आप फर्टिलिटी मसाज कीजिए। लगभग एक हफ्ते का पीरियड मैं मानती हूँ, 6-7 दिन का होता है, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इन सारे टिप्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखिए, समझिए और फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में, जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तनाव मुक्त रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।